दिल्ली की मेहरौली विधानसभा सीट इन दिनों सुर्खियों में है। यहां से एक तरफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे मैदान में डटे हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर योगानंद शास्त्री को कड़ी चुनौती देने का दावा कर रहे हैं। डॉक्टर योगानंद शास्त्री इस क्षेत्र से वर्तमान में विधायक होने के साथ साथ पिछले 15 वर्षों से दिल्ली सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। शास्त्री का मानना है कि उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के बल पर उनकी जीत निश्चित है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हमने 1500 करोड़ रुपया लगाया है। ज्यादा काम ऐसे हैं जो पूरे हो चुके हैं या जो पाइपलाइन में हैं। 600 करोड़ रुपया हमने झुग्गियों को फ्लैट्स में कन्वर्ट करने के लिए लगाया है। मुकाबला है तो भारतीय जनता पार्टी से है, और कोई पार्टी बीच में नहीं है कुछ भी। भाजपा की तरफ से प्रवेश वर्मा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और इसीलिए उन्हें खासी मेहनत करनी पड़ रही है। खास बात यह है कि इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों का दावा है कि ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन उनके साथ है। प्रवेश वर्मा अपने स्वर्गीय पिता के द्वारा किए गए विकास कार्यों का हवाला देकर जनता से अपना समर्थन मांग रहे हैं और सरकार को भी घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि 5 साल में मेहरौली की जनता के बीच में एक भी विकास का काम नहीं हुआ। मेरा सीधा मुकाबला किसी से नहीं है, मेरा सीधा मुकाबला यहाँ पर समस्याओं से है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर विकास होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। हम यहाँ पे विकास करेंगे, मेरा तो मुकाबला केवल यहाँ की समस्याओं से। नेता चाहे जनता से जो भी वायदे करें, लेकिन जनता अपने मुद्दों को लेकर जागरूक है। यहाँ पर सारी कमी है। एक तो मल्टी लेवल पार्किंग हमारे यहाँ नहीं है, पार्किंग की बहुत दिक्कत है। 2-2 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करके तब हमें पैदल घर पे आना पड़ता है। समस्या तो जो है पानी की है। मेहरौली विधानसभा सीट पर इस बार कांटे की टक्कर दिख रही है। दिल्ली की मेहरौली विधानसभा पर इस बार सबकी नजरें हैं, क्योंकि यहाँ पर पिछले 15 सालों से कांग्रेस का कब्जा है, तो भाजपा से नए उम्मीदवार जिन्हें राजनीति विरासत में मिली है, उनके लिए ये एक बड़ी चुनौती। कैमरामैन गणेशी लाल के साथ तरुण शर्मा, DD News, दिल्ली।